पहला ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखते कोई डिफरेंस आता है कि नहीं गाड़ी ऑन करने में। वैसे ही ऑन होती है जैसे पहले ऑन होती थी, कुछ डिफरेंस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये चिया सीड की कोई ब्रेड खरीद के लाए हम, सिंस सस्ती भी कर रखी थी हमने, देखी नहीं। और डेट थी इसकी 19, आज है 18th। एंड सुबह देखा खोल के तो ब्रेड में लगा हुआ फंगस। जनरली बेकरीज में ऐसा नहीं होता, बिकॉज उनकी जो ब्रेड होती है वो सुबह बेक करते हैं, एंड बाय इवनिंग इट्स द लॉट इज ऑलमोस्ट गॉन। कि तुम जर्दा बहुत अच्छे से करना जानते हो। ऐसे ऐसे करते थे मेरे यहाँ पे, आते थे ना, ऐसे ऐसे मारते थे उसको। हाँ, ले मत लेना उसको मुंह में। ऐसे, और फिर ऐसे इससे जीर निकालते, इसे डाल देते थे। हम इसको इसमें डालेंगे। राम, वो हाथों से इसमें डाल दिया है। कई सदियों बाद अपने घर में कड़ी में पकोड़ा दिख गया है। जैसे दूसरे प्लेनेट में लोग पानी की तलाश करते हैं, हम अपने कड़ी में पकोड़े की तलाश करते हैं। आज वही पकोड़े हमको दिख गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हमारे घर में। अपने डीलरशिप से कॉल भी आ गई है और वो बोल रहे हैं कि आके गाड़ी ले जाओ। पता नहीं कितना फटका लगा है, देखते जाके देखना पड़ेगा भैया। देखते कह देंगे, ये तो मालिक नहीं लग रहा है, नया नहीं है ये, ऐसी आ गया है। मालिक लोग ऐसे ही लगते हैं। जरा हम अम्बानी को देखो, एक शर्ट पहन के निकलता है। हम देखो, हम तैयार हो क्या? अम्बानी एक शर्ट और एक पैंट पहन के निकलता है, आराम से सेट की तरह चलता है। भाई बेइज्जती हो गई, बोले हम नहीं देंगे तुमको 3 यूरो, भागो यहाँ से। वो टैक्सी वाले ने बोला अरे नहीं नहीं ये सब वापस कर देते हैं, अरे कोई नहीं तुम उनको दिखा रहे ये बिल। उसने बिल। मस्ती में हमको निपटा दिया, इसने हमको जर्मन वे में ऐसे ही ना कर दिया। एक्चुअली सर ये पूछना चाहिए था कि क्या ये मतलब कॉस्ट वो हो सकता है। टोटल खर्चा 760 यूरो, 760 यूरो का फटका है, बट आई थिंक दिस इज वेरी जनरल। और वो भी गाड़ी मेरी 3-4 साल हो गई है पुरानी, फिर भी इतनी मांग रही है, तो आई थिंक इट्स वेल वर्थ इट। वी विल चेक कि क्या क्या उन्होंने किया अभी, है ना। गाड़ी में एक बार चलते हैं। कहाँ गई, पहचान पा रहे हो क्या? हमारे गणेश जी हैं अभी भी। पहला ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखते कोई डिफरेंस आता है कि नहीं गाड़ी ऑन करने में। वैसे ही ऑन होती है जैसे पहले ऑन होती थी, कुछ डिफरेंस। मेरे को लगा सुपर कार बन गई होगी। नहीं भाई, कोई कोई अपग्रेड नहीं हुई, वही गाड़ी है, बस पहली सर्विसिंग ही हुई है। तो बेसिकली बता दूं क्या क्या कच्चा चिट्टा है सर्विस कराने का। डस्ट फिल्टर पार्टिकल का चेंज, और एक है मोटर ऑयल चेंज, और उसकी फिल्टर चेंज। मोटर ऑयल का जो फिल्टर है वो भी चेंज होता है। ब्रेम्स फ्लूसिक काइट मतलब ब्रेक फ्लूइड भी चेंज होता है। और भी 2-4 चीज़ें थी कि सॉफ्टवेयर चेंज करना था, इनका अपडेट करना था। बेसिकली जो सर्विस बी है, क्योंकि हमारी गाड़ी सर्विस बी सर्विस पे थी, तो उसका 184 पूरा चार्जेस है उस पैकेट का। और उसमें मोटर ऑयल का जो चार्जेस है वो 222 यूरो, और ब्रेम्स फ्लूसिक काइट मतलब ब्रेक फ्लूइड का 20 यूरो, और फिर ऑयल फिल्टर का है 17 यूरो, फिर उसके बाद डस्ट पार्टिकल फिल्टर का है 64 यूरो, फिर उसके बाद और भी 92 किसका है? ये 92 है ब्रेम्स फ्लूसिक काइट एरनोयरन, मतलब कि ब्रेक फ्लूइड को चेंज करने का 92, और जो ब्रेम्स और ये क्या है, ये स्टाउ फिल्टर, डस्ट फिल्टर, हाँ डस्ट फिल्टर का है, तो पहुंच गया। मतलब कि बहुत कुछ है यार, मेरे को भी अगर हिंदी में भी बोलते तो भी मैं आपको नहीं समझा पाता। तो बेसिकली कच्चा चट्टा ये है कि 639 यूरो का टोटल खर्चा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स वैक्स लगा के 750 यूरो का आसपास का टोटल बिल बना, जिसमें इन्होंने 15 यूरो घर जाने के, 15 यूरो घर आने के दिए, जिसमें टैक्सी वाले ने मेरे से 3 यूरो एक्स्ट्रा ले लिए आते वक्त, क्योंकि उसने उल्टे रास्ते से लेके आया है मेरे को। और इसमें बेकरी में जो बंदा है ना वो भी अच्छा है, पिछले बार उसी से हमने केक लेके गए थे, केक खरीदने गए थे पहली बार, उसने फ्री में एक हमको केक अलग से दे दिया था। पुराने व्लॉग में आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा हो तो देख लो जाके। वैसे मदर्स डे स्पेशल पे था वो, मदर्स डे स्पेशल पे था, करेक्ट।
और अभी लेके आए हैं हम उसी बंदे से बटर क्रोसों और लॉगनस्टंगे। म्यूनिख में ना हर बेकरी में वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, बूटर ब्रेटजल। और यहाँ पे ना बूटर ब्रेटजल का इतना फैशन नहीं है, फैशन नहीं है, कोई खाता नहीं है, पता नहीं क्या। अभी तो अभी यही खाते हैं, हेसन में नहीं होगा। गुड मॉर्निंग, आज है थर्सडे एंड मैंने एक चीज रियलाइज करी, वैसे तो बहुत दिनों से रियलाइज कर रहा हूँ बट अभी फिर से मैं रियलाइज करके बता दूँ। अंडा एक ऐसी चीज होती है जो कहीं भी ट्रैवल करो, इधर उधर 500 मीटर दूसरे देश या दूसरे कॉन्टिनेंट, यू कैन गेट इट एवरीवेयर एंड यू कैन ईजिली कुक इट एंड इफ यू कैन ईट इट। अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर सिर्फ अंडा खाते हो तो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, मतलब प्रोटीन उसकी न्यूट्रिशन वगैरह तो छोड़ ही दो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि द इजिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट प्रोडक्ट एट योर नेबरहुड वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग और समथिंग। एंड अंडे को आप अलग अलग तरीके से भी खा सकते हो, जैसे पोस्ट एग बना लिया, बॉयल्ड एग बना लिया, ऑमलेट बना लिया, फ्रेंच टोस्ट बना लिया, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। और थोड़ी देर पहले मैंने नितिका को सोते हुए जगा दिया मेरे को नहीं पता था कि वो सो रही थी करके, मैं तो देखने गया था दूसरे कमरे में कर क्या रही है, फिर मैंने उसको जगा दिया। भाई वो जो जगा दिया, माउंट एटना देखा था ना हमारे साथ सिसिली में, तो वो वोल्केनो जब फूटता है तो वही हुआ मेरे ऊपर मेरे ऊपर लावा बह गया। माउंट एटना भी ठंडा हो गया है, फूटने के बाद शांत भी तो होता है, तभी शांत हो गया तुम्हारा नाम हम रख देते हैं माउंट एटना कहीं फूटोगे तो पता चलेगा ना लोगों को कि फूट जाओगे जल्दी। हैं हम आम आदमी, मैंने इतने बाल थे ना मेरे फोरहेड जो था ना, जो मेरा फोरहेड था ना पहले, वो यहाँ तक था, तो धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। 20 में इतना था, 30 में इतना है, 40 में इतना होगा, 50 में विन डीजल बन जाएंगे। कोई चंपी कर दे और बदले में चंपी ना मांगे, ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, जिसको मिले नितिका कर देती है, उल्टे में मांगती नहीं कि नहीं तुम मेरा मत करो। मुझे लेना है रैपिंग पेपर, बच्चों के लिए शायद ये पिंक वाला ही अच्छा आएगा। रिबन्स भी हैं, पिंक के साथ कौन सा जाएगा, लाल या नहीं, लाल ही आएगा। I'm so happy to say मेरा जो सिसली वाला व्लॉग है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया है एंड आई एम जस्ट डूइंग द सबटाइटल्स एंड इट इज वन ऑफ सच व्लॉग्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड जहां पे मैं एक स्टोरी नरेशन करता हूं। तो ये था पेपर जो कि मैं लेने गया था, अब इसको करते हैं पैक। ये रहा पैक्ड आइटम, चाहे कितना भी पैक कर लो, मैंने ये तो सोच लिया है नितिका और मेरा तो यही मानना है कि गिफ्ट वाले भैया जो इतना मस्त पैक करते हैं ना, उसकी तरह कोई पैक नहीं कर सकता ना। आज पहली बार जर्मनी में इतना ट्रैफिक मिला है, कुछ यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ एक्सीडेंट है या रेड कुछ है। हाउएवर हम निकल चुके हैं घर से, हम बिल्कुल टाइम पे पहुँचने वाले हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है यहाँ पे रास्ते में, पुलिस की गाड़ी वगैरह भी खड़ी है। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी बर्थडे पार्टी पे एंड विल सी हाउ द बर्थडे पार्टी इज़ गोइंग टू बी, बट द बर्थडे बॉय इज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, रुको मैं टेस्ट करना है। नहीं ऐसे रुको रुको रुको, इसके काम करो, प्लेट को प्लेट पे नहीं, वो हुआ ही नहीं है, उसको कट करना अभी, कैसे ठीक है ना, यहां से शुरू करो। एक मिनट, हैप्पी बर्थडे पूरा लिखना है, HBD क्या लिखना है, हैप्पी लिख दो, हैप्पी बी के बी उसके अपोस्ट्रोफी और फिर डी ए वाई और ये मम्मी पूरी की पूरी ट्यूब को इस्तेमाल करती हुई वेस्ट क्यों करूं मैं, वेस्टेज नहीं, तो पूरा खाली हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयु, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो बेटा ये आयु, Thank you.
तो दिया। तो हम वापस आ गए and now we are going to sleep because it's very late at night. तो अगर आज का vlog for some reason अच्छा लगा then don't forget to hit the like button. आप हमें subscribe कर सकते हैं हमारे channel को, please subscribe कर लीजिए, तो इससे हमें भी motivation मिल जाएगी और इसी के साथ आज का vlog close भी करते हैं saying 1, 2, 3 और वीडियो देखें.